नहीं है। अब चलिए बात करते हैं प्रीवियस ईयर के जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के हैं, और हम क्या जो नए, जैसा कि मैंने बताया था कि हम इसके पहले जितना कर चुके हैं वो रिपीटेड वर्ड्स नहीं लेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ नए वर्ड्स लेंगे। सबसे पहले बात करें फियर ऑफ टेलिंग लाइज, फियर डर, डर के लिए जो है आपको जो है फोबिया वर्ड इस्तेमाल होता है, और सच, सच बोलने के लिए और झूठ बोलने के लिए वर्ड होता है, सच के लिए ट्रू और झूठ के लिए मिथ होता है। तो मिथोफोबिया, यहाँ पे झूठ बोलने से डर लगे तो मिथोफोबिया होता है, मिथ मतलब झूठ, फोबिया मतलब डर, तो झूठ बोलने से डर लगे तो इसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है मिथोफोबिया। फीलिंग एनॉयड एट द साइट ऑफ अनफेयर ट्रीटमेंट, अगर किसी के साथ जो है या आपके साथ अगर अनफेयर ट्रीटमेंट हुआ है तो उस पर अगर आप एनॉयड है, एनॉयड है कि मतलब गुस्से में है, तो उसके लिए जो वन वर्ड आता है वो होता है इंडिग्नेंट। इंडिग्नेंट का मतलब होता है एक तरीके से क्रोधित या क्रुद्ध कह सकते हो आप। नेक्स्ट है अनवेलकम एस्पेक्ट ऑफ ए सिचुएशन, इसका मतलब होता है फ्लिप साइड, मतलब इसके लिए वन वर्ड इस्तेमाल होता है फ्लिप साइड। फ्लिप साइड का मतलब होता है उल्टी ओर, जो सिचुएशन आपके फेवर में ना हो के दूसरी तरफ हो, तो दूसरी तरफ के सेंस में फ्लिप साइड आता है। और यहाँ पे ये जो सेंटेंस है इसके लिए वन वर्ड इस्तेमाल किया जाता है फ्लिप साइड, इसका मतलब है कि जो सिचुएशन आपकी तरफ होना चाहिए वो नहीं है, जस्ट उसका अपोजिट है। इम्पोज्ड ए रिस्ट्रिक्शन ऑन, किसी पे रिस्ट्रिक्शन लगाना, इसके लिए अगर हम वन वर्ड की बात करें तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं कंस्ट्रेंट, अगर हम किसी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं तो कंस्ट्रेंट कर रहे हैं। हिंदी में बोले तो इसको विवश कह सकते हैं कि किसी को विवश करना। वन हु हेट्स मैनकाइंड, जो मानव जाति से नफरत करते हैं उसको मिसैंथ्रोप बोलते हैं, मानवद्वेषी हिंदी में बात करें तो। टू फ्री ए पर्सन बाई ए वर्डिक्ट ऑफ नॉट गिल्टी, अगर कोई आदमी है अगर ये कह दिया जाए वो गिल्टी नहीं है और उसको फ्री कर दिया जाए तो एक्विट बोलते हैं, इसका मतलब होता है मुक्त करना। और इसी से रिलेटेड कई और वक्त आते हैं, लाइक एक्जोनोरेट आता है आपका, इमेंसिपेट आता है, तो कभी ये डिपेंड करता है, ये सारे वर्ड आपको जो है ऑप्शन में एक साथ नहीं दिए जाएंगे, कभी एक्विट देता है, कभी एक्जोनोरेट देता है, कभी इमेंसिपेट देता है। नेक्स्ट है टू सिक्योर ए बोट बाई अटैचिंग इट टू एन एंकर, अब इसको समझिए कि जैसे कभी आपने देखा कि एक बोट आता है, जब आप नदी वदी में गए हों तो एक बोट आता है, और यहाँ पे जब नदी के किनारे जाता है तो एक ये खूंटी टाइप की होती है, तो उसमें वो रस्सी से वो बांध जाता है ताकि वो नाव जो है दोबारा पानी में बह ना जाए, स्लिप ना हो जाए, तो ये जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं मूर। लंगर डालना भी इसको बोलते हैं, लेकिन अगर नाउन की तरह का इस्तेमाल किया जाए तो इसको कच्छ प्रदेश या फिर बंजर प्रदेश भी बोलते हैं। नेक्स्ट है ए विवासियस एंड लाइवली एक्सपीरियंस इज सैड टू बी, इसको जो है अगर हम वन वर्ड की बात करें इसकी, तो इसका वन वर्ड होता है साइंटिलेटिंग या सेंटिलेटिंग, शुद्ध प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है सेंटिलेटिंग। ए विवासियस एंड लाइवली एक्सपीरियंस, विवासियस का मतलब होता है जिंदा दिल, लाइवली का मतलब होता है जीवंत, तो एक ऐसा एक्सपीरियंस जो लाइवली हो, विवासियस जिंदा दिल हो या जीवंत हो, तो इसके लिए सेंटिलेटिंग इस्तेमाल किया जाता है। और सेंटिलेटिंग का जो मतलब होता है, जो शुद्ध मतलब होता है, वो होता है एक तरीके से चमकता हुआ। वाइडली अनरीजनेबल, इलॉजिकल और रेडिकुलस, कोई चीज़ जो है अनरीजनेबल हो, बहुत ज़्यादा अनरीजनेबल हो, जिसमें रीजन ना हो, जिसमें लॉजिक ना हो, या बहुत ज़्यादा रेडिकुलस हो कोई चीज़, तो उसके लिए जो वन वर्ड इस्तेमाल होता है उसके लिए वन वर्ड एब्जर्ड इस्तेमाल होता है, इसका हिंदी मतलब होता है असंगत, जो संगत ना हो, जो लॉजिकल ना हो, जो रेडिकुलस हो, जो अनरीजनेबल हो बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए वन वर्ड ध्यान रखिएगा एब्जर्ड इस्तेमाल होता है। और हिंदी में याद रखिए और अच्छे से याद रहेगा, असंगत बोलते हैं इसको। Showing a dislike of anything improper, ये जो वर्ड है प्रिम, प्रिम का कई सारा मतलब होता है, प्रिम का मतलब होता है एक तरीके से साफ सुथरा छवि वाला, साफ सुथरा छवि वाला, वेरी नीट इन अपियरेंस, वेरी फॉर्मल एंड प्रॉपर, कोई चीज़ मतलब एक फॉर्मल होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। तो यहाँ पे जो सेंटेंस इस्तेमाल किया गया है वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि कोई चीज़ अगर प्रॉपर ना हो तो उसको डिसलाइक करना, मतलब ये दिखाना कि आप उसको पसंद नहीं कर रहे हो, तो उसके लिए वन वर्ड प्रिम का इस्तेमाल किया गया है। और प्रिम का मतलब ये होता है जो आदमी बहुत ज़्यादा फॉर्मल तरीके से रहे, बहुत ज़्यादा रूल्स और रेगुलेशन के साथ रहे, और उसको बुरी चीज़ें बिल्कुल पसंद ना हो। नेक्स्ट है दैट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसको अवॉइड ना किया जा सके उसको बोलते हैं इनएविटेबल, इसका हिंदी मतलब होता है अनिवार्य, कोई चीज़ अनिवार्य है तो उसे अवॉइड नहीं किया जा सकता, तो इनएविटेबल इसके लिए वन वर्ड है। नेक्स्ट है आर्टिस्टिक म्यूजिकल और ड्रामेटिक इंटरप्रिटेशन, रेंडिशन इसके लिए वन वर्ड है, रेंडिशन का मतलब समझिए कि रेंडिशन का मतलब होता है व्याख्या या फिर अभिव्यक्ति, व्याख्या या फिर अभिव्यक्ति।
कैसी व्याख्या, कैसी व्यक्ति, ये यहाँ पे है, आर्टिस्टिक हो सकती है, म्यूजिकल हो सकती है या फिर ड्रामेटिक हो सकती है। तो इस तरीके का इंटरप्रिटेशन जो होता है उसके लिए रैंडिशन वर्ड इस्तेमाल होता है, और हिंदी में इसका मतलब होता है व्याख्या या फिर अभिव्यक्ति। स्पेशली स्किल्ड इन स्टोरी टेलिंग, अगर कोई स्किल्ड है स्टोरी टेल करने में तो उसको रिकैंटियर बोलते हैं, या फिर इसका शुद्ध प्रोनंसिएशन होता है रिकैंटर। तो मैं स्पेलिंग याद करने के लिए इसको रिकैंटियर याद करता था, लेकिन अगर इसका शुद्ध प्रोनंसिएशन की बात करें तो रिकैंटर होता है। इसको बोलते हैं व्याख्या करने वाला, व्याख्या करने वाला। कोई स्टोरी बता रहा हो उसको बहुत प्रॉपर तरीके से स्किलफुल वे से बता रहा हो तो उसके लिए होता है रिकैंटर। नेक्स्ट है काउंटिंग फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट इंटरप्शन, बगैर इंटरप्शन के लगातार चलने वाला, उसके लिए परपेचुअल वन वर्ड इस्तेमाल होता है। इसका मतलब होता है सतत, सतत, लगातार, हमेशा के लिए, लगातार। हिंदी में ये थोड़ा आसानी से याद रह जाएगा परपेचुअल। नेक्स्ट है एक्ट ऑफ इंजरिंग अनदर्स रेपुटेशन बाई एनी स्लैंडरस कम्युनिकेशन। स्लैंडरस मतलब होता है किसी को मलिन करना, एक तरीके से किसी पे आरोप लगाना, किसी पे विक्षोभ लगाना। इसके लिए इस्तेमाल होता है डिफेमेशन। हिंदी वर्ड इसका आप लोग बहुत सुने होंगे, मानहानि, डिफेमेशन केस, डिफेमेशन केस करके आता है। तो अगर शुद्ध हिंदी में इसको समझिए तो इसका मतलब होता है बेइज्जती करना, किसी की बेइज्जती करना, डिफेमेशन, आरोप लगाना, उसकी छवि खराब करना। नेक्स्ट है ए रिकरेंट कंपल्सिव अर्ज टू स्टील, चोरी करने की लत। यहाँ पे जो स्टील है, ये जो सेंटेंस का मेन मतलब है वो ये पूछना चाह रहा है कि जो चोरी करने की लत है उसको क्या बोलते हैं। क्लेप्टोमनिया बोलते हैं इसको। क्लेप्ट जो वर्ड आता है ये चोरी के लिए आता है, और मनिया जो होता है वो एक तरीके से लत के लिए आता है। मनिया की हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पूरा का पूरा इस रूट वर्ड से रिलेटेड काफ़ी सारे वर्ड्स हमने डिस्कस किए थे। तो क्लेप्टोमनिया का मतलब होता है चोरी करने का लत, याद रखिएगा। ए पर्सन हु इंटर्स विदाउट एनी इन्विटेशन, जो बगैर इन्विटेशन के कहीं पर इंटर कर जाए उसको बोलते हैं इंट्रूडर, बिना प्रवेश या अधिकार के जो है अंदर घुसने वाला, प्रवेश करने वाला। तो इंट्रूडर जो वर्ड है ध्यान रखिएगा, 2016 में भी आया था कि इंट्रूडर वो होते हैं जो बगैर ही इनविटेशन के, बगैर अधिकार के कहीं पे घुसते हैं। नेक्स्ट है मेडिकल स्टडी ऑफ स्किन एंड इट्स डिजीजेज। देखिए जो स्किन है, स्किन के लिए वर्ड आता है डर्म, और जो स्टडी के लिए होता है वो लॉजी। तो अगर हम स्किन या स्किन से रिलेटेड कोई डिजीज की अगर अध्ययन कर रहे हों तो उसको बोलते हैं डर्मेटोलॉजी। नेक्स्ट है द बरियल ऑफ कॉर्पसी, इसको बोलते हैं इंटरमेंट। अब इंटरमेंट का जो है हिंदी मतलब समझिए, आपको और आसानी से याद रहेगा। इसका मतलब होता है दफन। क्या मतलब होता है? दफन या दफनाना एक तरीके से। तो इंटरमेंट, हम शव वगैरह को दफनाते नहीं है जमीन के अंदर, तो बरियल ऑफ कॉर्पसी इंटरमेंट बोलते हैं। इंटरमेंट का शुद्ध मतलब होता है हिंदी में दफन। नेक्स्ट है कन्फर्ड एज एन ऑनर, किसी को सम्मान की तरह देखना, कन्फर करना, उसको बोलते हैं ऑनररी। ऑनररी एक और तरीके से पूछा जाता है, इसका मतलब अवैतनिक भी होता है, अवैतनिक, बिना वेतन के जो काम करे, अवैतनिक। तो इसके लिए भी आता है, तो यही वन वर्ड वहाँ पे भी दिया रहता है। तो ऑनररी के दोनों मतलब होते हैं, एक होता है सम्माननीय या माननीय, माननीय या सम्माननीय कह सकते हो, और अवैतनिक भी बोलते हैं। तो दोनों जो है सेंटेंस में आता है, तो ध्यान रखिएगा कि जब इस सेंस में आए कि वहाँ पे बोला जा रहा हो कि कोई बंदा काम कर रहा हो बगैर पैसे के, तो उसके लिए भी ऑनररी वर्ड इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट, जो अकाउंट्स वगैरह को एग्जामिन करते हैं उनको बोलते हैं ऑडिटर। ये आपको एसएससी में एक पोस्ट भी मिलेगी। ए पर्सन हु डेलिबरेटली सेट्स फायर टू ए बिल्डिंग, जो किसी बिल्डिंग में जो है आग लगा दे जानबूझ के, उसको बोलते हैं आर्सोनिस्ट। आर्सोनिस्ट वो होते हैं आग लगाने वाले, आग लगाने वाले बिल्डिंग वगैरह में, और जानबूझ के ऐसा करते हैं। नेक्स्ट है वन हु इज टू केयरलेस टू प्लान फॉर द फ्यूचर, वो जो बहुत ज़्यादा केयरलेस होता है, जो फ्यूचर का प्लान नहीं करता है, तो उसको बोलते हैं इम्प्रोविडेंट। आपने वर्ड सुना होगा प्रोविडेंट और इम्प्रोविडेंट, ये उसी का एक वर्ड है, उसका जस्ट नेगेटिव सेंस देने के लिए इम वर्ड लगाया जाता है। तो इम्प्रोविडेंट का मतलब होता है बेपरवाह या फिर उड़ाऊ। तो जो बेपरवाह है या फिर जो उड़ाऊ है, जो पैसे वगैरह सेव नहीं करता है, तो वो फ्यूचर के लिए हमेशा क्लियरलेस रहेगा, वो प्लान नहीं करेगा। नेक्स्ट है वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस और द लॉ, इसको बोलते हैं फिजिटिव। फिजिटिव का मतलब होता है भगौड़ा एक तरीके से। क्या होता है? भगौड़ा, भगौड़ा, जो लॉ से, जो कानून से, जो जस्टिस से भागे उसको फिजिटिव बोलते हैं या फिर भगौड़ा। वन हु इज स्किलफुल, जो स्किलफुल हो उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रस, हिंदी में बोले तो निपुण। ए पर्सन हु डिजर्व्स ऑल प्रेज,
जो प्रशंसा के पात्र हो, जो सभी तरीके के प्रशंसा के पात्र हो, उसको बोलते हैं लाउडेबल, और कमेंडेबल भी बोलते हैं, कभी कभी कमेंडेबल भी आ जाता है। तो लाउडेबल एंड कमेंडेबल दोनों सिनोनिम्स है, और दोनों का हिंदी मतलब होता है प्रशंसनीय, प्रशंसनीय या प्रशंसा के पात्र। ए स्टडी ऑफ एंशियंट थिंग्स, नेक्स्ट है आपका, जो पुरानी चीज़ों का अध्ययन करे उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी का मतलब होता है एक तरीके से पुरातत्व, पुरातत्व, पुरातत्व का अध्ययन। नेक्स्ट है समवन हु इज डेजिग्नेटेड टू हियर बोथ साइड्स ऑफ ए डिस्प्यूट एंड मेक ए जजमेंट। अब यहाँ पे समझिए कि इसके लिए वन वर्ड इस्तेमाल होता है आर्बिट्रेटर। इसका ये मतलब होता है, समझ लीजिए दो है, इनके बीच में कोई एक बंदा जो है आ जाए और इनके बीच में डिस्प्यूट खत्म करने की कोशिश करे, तो इसको मध्यस्थ या फिर इंग्लिश में आर्बिट्रेटर बोलते हैं। तो आर्बिट्रेटर का मतलब होता है मध्यस्थ। मेक पेल बाई एक्सक्लूडिंग फाइट, किसी को जो है पीला बनाना, पीला बनने से मार वार के ना किसी को बीमार कर देना, पीला बनाना, उसके लिए इस्तेमाल होता है इटियोलेट। इसका मतलब होता है किसी को बीमार बनाना या फिर पीला कर देना। नेक्स्ट है ओपिनियन कॉन्ट्रेरी टू एक्सेप्टेड डॉक्ट्राइन। डॉक्ट्राइन का मतलब होता है सिद्धांत। तो अगर कोई ऐसा ओपिनियन हो जो सिद्धांत के खिलाफ हो तो उसको हियरसे बोलते हैं। हियरसे का मतलब हिंदी में होता है मत विरुद्ध, मत विरुद्ध। एक एस्टेब्लिश मत है कि हाँ ये चीज़ ऐसे होता है, और फिर वहीं पे एक ओपिनियन आ गया जो उस मत के विरुद्ध है, तो उसको बोलते हैं हियरसे या फिर मत विरुद्ध। नेक्स्ट है ए रिजर्व फॉर एनिमल्स बर्ड्स ईटीसी इन देयर नेचुरल हैबिटेट। किसी के नेचुरल हैबिटेट में जहाँ पे वो रहते हैं उसी को जो है रिजर्व कर देना, रिजर्व कर देना कि यहाँ पे और कुछ नहीं आ सकता, वो एनिमल बर्ड्स ही रहेंगे, उसको बोलते हैं सेंचुरी। तो ध्यान रखिएगा ये वर्ड, कई बार पूछा गया सेंचुरी को। द एरिया ऑफ मेडिसिन दैट ट्रीट्स इलनेस ऑफ बोन्स। एरिया ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन की वह ब्रांच जो बोन से रिलेटेड, बोन की डिजीज से रिलेटेड, हड्डियों के या फिर हड्डियों के रोग से डिजीज मतलब रिलेटेड जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं ऑर्थोपेडिक्स। अब ऑर्थोपेडिक्स में एक चीज़ ये रहती है, हमेशा ये डाउट रहता है स्पेलिंग का, इसका कि एक स्पेलिंग ये होती है ऑर्थोपेडिक्स। तो ये दो के दोनों जो है स्पेलिंग्स करेक्ट है, ये है पुराने ज़माने में यूज किया जाता था, ये अब नए ज़माने के हिसाब से यूज किया जाता है, तो स्पेलिंग्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों स्पेलिंग सही है। नेक्स्ट है वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेज, जो बहुत सारी लैंग्वेजेज को जानते हैं उनको बोलते हैं पॉलीग्लॉट या कहते हैं बहुभाषी। बहुभाषी जो बहुत ज़्यादा, पॉली मतलब बहुग्लॉट भाषा के लिए इस्तेमाल होता है, तो पॉलीग्लॉट जो बहुत ज़्यादा भाषाओं को जानते हैं। नेक्स्ट है प्रिटेंडेड अटैक। प्रिटेंडेड अटैक का हिंदी मतलब हुआ कि जो दिखावटी एक तरीके का आक्रमण हो उसके लिए फिंट वर्ड इस्तेमाल होते हैं। फिंट का अगर हिंदी मीनिंग अगर आप सर्च करोगे तो इसका मतलब ही आता है कि दिखावटी जो है आक्रमण, या फिर इसको एक और तरीके से बोलते हैं भुलावा, पर ये मीनिंग यहाँ पे फिट नहीं बैठेगी। दिखावटी आक्रमण जो है वो यहाँ पे फिट है, और प्रिटेंडेड अटैक के लिए वन वर्ड है फिंट। ए लैंड फिट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, क्या होता है जो ज़मीन जो है जिस पे हम कुछ उगा सकें उसके लिए होता है एरेबल। एरेबल का मतलब होता है कृषि योग्य, कृषि योग्य। ए चाइल्ड सेक्रेटली चेंजेस फॉर अनदर इन इन्फेंसी। इन्फेंसी का मतलब होता है बचपन। तो बचपन में अगर कोई जो है चुपचाप जो है अपना एक तरीके से जो है फेस वगैरह चेंज कर ले दूसरे की तरह दिखने के लिए, तो उसको बोलते हैं चेंजलिंग। चेंजलिंग को हिंदी में बोलते हैं बदला हुआ बच्चा, बदला हुआ बच्चा। नेक्स्ट है द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद द प्रॉब्लम्स ऑफ द ओल्ड। जो बूढ़े लोगों को लेके जो ब्रांच जो मेडिसिन की डील करती है उसको बोलते हैं जेरियाट्रिक, जेरियाट्रिक्स। इसको बोलते हैं बुढ़ापा, या कहते ना कि ओल्ड एज से जो डील करे जो ब्रांच जो मेडिकल साइंस की, तो इसको ऐसे याद रखिएगा कि जेरियाट्रिक्स, बुढ़ापे को डील करने वाली साइंस। ए मॉर्नफुल पोएम और ए सॉन्ग, जो कहते हैं ना कि जो दुख, दुख के समय गाया जाने वाला जो गीत होता है उसको एलिजी बोलते हैं। देखो सोनेट होता है वो 14 लाइंस की पोएम होती है, और एलिजी अक्सर करके आता है तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो एलिजी का मतलब होता है शोक गीत, शोक गीत, ध्यान रखिएगा इसका। नेक्स्ट है दैट विच अरेंज बाई कन्फरिंग और डिस्कसिंग, जो अरेंज किया जाता है कन्फर करने के लिए, डिस्कस करने के लिए, उसको सेमिनार बोलते हैं। अक्सर करके आप लोग कॉलेज में सुने होंगे कि सेमिनार है, सेमिनार है, तो हम लोग जाते हैं कहीं पे और एक बंदा होता है जो हमको प्रेजेंटेशन दे रहा होता है, तो ये जो गैदरिंग होती है एक तरीके से वो होती है सेमिनार, हम बोलते हैं उसको। चीफ और कमांडर ऑफ एन आर्मी, जो आर्मी का चीफ होता है या कमांडर होता है उसको जनरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनरल। ये वही स्पेलिंग है जी ई एन ई आर एल, जिसका सामान्य मतलब भी होता है, लेकिन अगर बात करें कि अगर चीफ की, कमांडर या फिर आर्मी के, तो उसको भी हम जनरल बोलते हैं। ए कंटेनर फॉर द एसेज ऑफ अ डेड पर्सन,
कहते ना कि हम आपने मूवीज वगैरह में देखी होगी कि एक इस तरीके की कलश होती है जिसमें राख जो होती नहीं कि जलाने के बाद थोड़ी सी राख निकाली जाती है इसमें रखी जाती, तो पूछा जा रहा है कि इसमें इसके लिए वन वर्ड क्या इस्तेमाल होता है, इसके लिए अर्न इस्तेमाल होता है, इसका मतलब होता है कलश। लेकिन कैसा कलश, जिसमें हम कुछ भी मतलब वैसे ये होता है जो डेड बॉडी है उसका जो राख है उसको रख के लेके जाते हैं, तो अर्न बोलते हैं उसको। टू पुट टू एंड टू टुगेदर, यहाँ पे दिया हुआ है टू पुट एंड टू टुगेदर, दो को साथ में रखना। सिम्बियोसिस, सिम्बियोसिस वन वर्ड दिया है, सिम्बियोसिस का आप हिंदी मतलब समझ लीजिए कि सिम्बियोसिस का मतलब क्या होता है। सिम्बियोसिस का मतलब होता है सहजीवी, सहजीवी, सहजीवी का ये मतलब हुआ है जो एक दूसरे के साथ जी सकें, सहजीवी। नेक्स्ट है टू डिस्ट्रॉय कम्प्लीटली, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना, एनाइलेट इसको बोलते हैं। इसको ऐसे समझिए कि कोई चीज़ जड़ से उखाड़ देना, पूरी तरीके से संहार कर देना, तो एनाइलेट का मतलब ये होता है टू डिस्ट्रॉय कम्प्लीटली, पूरी तरीके से उखाड़ देना, तो वन वर्ड इस्तेमाल होता है एनाइलेट। ए पर्सन हु हैज़ हैड वन और मोर लिम्स रिमूव्ड, लिम्स का मतलब होता है अवयव, तो अगर बॉडी से एक या अधिक जो है अवयव निकाल दिए जाए तो उसको बोलते हैं एम्प्यूटी। एम्प्यूटी का मतलब होता है एक तरीके से अपंग, अपंग, तो याद रखिएगा, इससे याद रहेगा एम्प्यूटी का मतलब अपंग, अगर एक या एक से अधिक अगर अवयव आपके बॉडी के पार्ट निकाल दिए गए हो तो एम्प्यूटी बोलते हैं उसको। ए स्टेटमेंट इन विच यू से द सेम थिंग ट्वाइस इन डिफरेंट वर्ड, टॉटोलॉजी, टॉटोलॉजी का मतलब होता है अपनी बात दोहराना, अपनी बात दोहराना, तो क्या कर रहे हो कि आप अपनी बात एक बार दर्ज कर रहे हो फिर दोबारा दूसरी तरीके से अपनी ही बात कर रहे हो, तो टॉटोलॉजी उसको बोलते हैं। रब आर वीप आउट, नेक्स्ट है आपका रब और विप आउट, विप आउट का मतलब भी होता है कि हटाना, रब का मतलब होता है मिटाना, जैसे आप इरेजर वगैरह से कोई चीज़ हटाते हो, तो इसके लिए बोलते हैं इफेस। एक किसी के साथ मैंने आपको वर्ड बताया था डिफेस, डिफेस का मतलब होता है विकृत करना, ध्यान रखिएगा विकृत करना होता है डिफेस का मतलब, और इफेस का मतलब होता है इरेज करना, हटाना। द पीरियड बिटवीन टू रीजन्स, दो रीजन्स के बीच के जो पीरियड को बोलते हैं उसको इरा बोलते हैं, इरा बोलते हैं, इरा को हिंदी में बोलते हैं काल। ए पर्सन हु इज़ वेरी सेलेक्टिव, disgusted easily and is hard to please, इसको बोलते हैं fastidious। fastidious को आप हिंदी में याद रखिए, बहुत अच्छे से याद रहेगा। इसके लिए जो हिंदी वर्ड मैं बताना चाहता हूँ नक चढ़ा, ये याद करने के लिए से बता रहा हूँ कि नक चढ़ा, जैसे कोई बंदा मैंने नक चढ़ा है तो उसे आसानी से जो है संतुष्ट नहीं किया जा सकता है, तृप्त नहीं किया जा सकता है। तो ए पर्सन हु इज़ वेरी सेलेक्टिव, जो बहुत सेलेक्टिव हो, disgusted easily, बहुत आसानी से जो डिस्कस्ट हो जाए और उसे खुश करना बहुत ही मुश्किल हो, तो उसको हम नकचढ़ा बोलते हैं, असंतृप्त व्यक्ति बोलते हैं, तो फास्टिडियस इंग्लिश में उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है एन एरर इन प्रिंट, मिस प्रिंट इन प्रिंटिंग और राइटिंग, लिखने में जो है अशुद्ध, अशुद्धि एक तरीके से जब हम एरर करते हैं लिखने में तो उसको बोलते हैं एराइटम, तो याद रखिएगा इसको एराइटम ही, और एराइटम का मतलब ये होता है कि अगर हम लिखने में, लिखने में जो है अशुद्ध कोई चीज़ लिख दें, प्रिंटिंग करने में अशुद्ध लिख दें तो एराइटम होते हैं, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है ए पर्सन एक्सट्रीमली डिजायरस ऑफ मनी, जो बहुत ज़्यादा जो है पैसों का लालची हो तो उसको एवराइस बोलते हैं, एवरासियस इसको शुद्ध प्रोनंसिएट करते हैं, एवरासियस। एवरासियस का मतलब होता है एक तरीके से लालची, क्या होता है लालची, तो हिंदी में याद रखिए आसानी से याद रहेगा, जिसको बहुत ज़्यादा पैसों की ललक हो। टू विलिंग टू ओबे अदर पीपल, जो बहुत ज़्यादा किसी जो है पीपल्स को, जो और लोगों की बात बहुत ज़्यादा माने, उसको बोलते हैं सब सर्वियंट। सब सर्वियंट का मतलब होता है किसी के अधीन होना, क्या होना, किसी के अधीन होना या फिर अधीन, तो किसी की आप बात मान रहे हो मतलब आप किसी के अधीन हो। नेक्स्ट है इंट्रोडक्टरी पार्ट और लाइंस टू ए डिस्कोर्स और प्ले, जो इंट्रोडक्शन होता है किसी भी चीज़ का उसको बोलते हैं प्रोलॉग। प्रोलॉग का मतलब ऐसे समझ लीजिए कि प्रस्तावना, हम कुछ भी ड्रामा वगैरह करने जा रहे हैं, कुछ भी करने जा रहे हैं तो एक ट्री पार्ट लिखते हैं, तो उसके लिए होता है प्रोलॉग। और प्रोलॉग और एपिलॉग दो करके होता है, तो प्रोलॉग होता है जो स्टार्ट में आता है, एपिलॉग होता है जो बाद में आता है। तो प्रोलॉग का सिनोनिम जो होता है वो आपका एक तरीके से इंट्रोडक्शन कह सकते हो, और जो एपिलॉग होता है उसका कंक्लूजन कह सकते हो। इंटेंशनल डैमेज टू अरेस्ट प्रोडक्शन, अब मुझे ये पता नहीं कि इस सेंटेंस को एज इट इज क्यों दिया गया, मैं आपको सबोटेज का मतलब समझाता हूँ। सबोटेज का मतलब होता है नाश करना, नाश करना, अगर ये वर्ड एग्जैक्टली अगर ऐसे 2015 में आया था तो इंटेंशनल डैमेज, क्या करना कि किसी चीज़ को डैमेज करना जानबूझ के, तो होता है सबोटेज। कहते नहीं कि प्लान हमने सबोटेज कर दिया, तो उसका ये मतलब होता है कि जानबूझ के किसी चीज़ को हम ख़राब कर रहे हैं, तो सबोटेज का मतलब यहाँ पे याद रखिएगा किसी चीज़ को ख़राब करना, वो भी जानबूझ के। ए हैंडसम मैन, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि मैन
हैंडसम जो एक तो क्वालिटी बता रहा है और फिर ए हैंडसम मैन, तो हैंडसम मैन के लिए जो वर्ड आएगा एडोनिस वर्ड आता है, क्या आता है इसका, एडोनिस आता है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट है हमारा ए सिनेमा शो हेल्ड इन द आफ्टरनून, जो आफ्टरनून के बाद जो सिनेमा शो लगता है उसको बोलते हैं मैटिनी, क्या बोलते हैं उसको, मैटिनी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वन हु कंपाइल्स ए डिक्शनरी, इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसको बोलते हैं लैक्सिकोग्राफर, जो डिक्शनरी कंपाइल करता है उसको लैक्सिकोग्राफर बोलते हैं। आर्ट ऑफ वर्किंग विथ मेटल, मेटल के साथ काम करना या मेटल का कुछ बोलते हैं, तो इसको केमिस्ट्री का ये वर्ड है, इसको बोलते हैं मेटलर्जी, धातु कर्म हिंदी में बोलते हैं इसको, धातु कर्म। सबमिशन टू ऑल दैट हैपेंस एज इनएविटेबल, कहते हैं ना कि हम ये बोल देते हैं कि जो हो रहा है वो होगा ही होगा, अनिवार्य है, वो समय के हिसाब से होता रहता है, तो हम अपने आप को सबमिट करते थे एक तरीके से, हम भाग्य के भरोसे हो जाते, तो उसको बोलते हैं, वन वर्ड उसके लिए है फैटलिज्म, इसका मतलब होता है भाग्य के भरोसे रहना, भाग्य के भरोसे रहना। नेक्स्ट है वन हु इज इंचार्ज ऑफ म्यूजियम, जो म्यूजियम का इंचार्ज होता है उसको बोलते हैं क्यूरेटर, हिंदी में इसको बोलते हैं एक तरीके से रक्षक, रक्षा कर रहा है म्यूजियम का। नेक्स्ट है एन एक्ट ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, इसको बोलते हैं एम्बेजलमेंट, एम्बेजलमेंट का मतलब होता है गबन, कहते नहीं कि उसने गबन कर दिया, गबन कर दिया, तो जब पैसे का मिस अप्रोप्रिएशन होता है तो उसको एम्बेजलमेंट बोलते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट है द फर्स्ट पब्लिक परफॉर्मेंस ऑफ म्यूजिकल और थिएटिकल वर्क और द फर्स्ट शोइंग ऑफ द फिल्म, कहते नहीं कि प्रीमियर लगा है, प्रीमियर लगा किसी मूवी का, मतलब क्या होता है वो फर्स्ट शो होता है या फिर जो है पहले, सबसे पहले जो देखता है वो जो शो होता है फिल्म का, किसी आर्ट का, किसी भी और चीज़ का, तो जो पहला शो होता है एक तरीके से उसको बोलते हैं प्रीमियर। नेक्स्ट है एन एग्जैक्ट कॉपी, एन एग्जैक्ट कॉपी को बोलते हैं फैक्सिमिली, फैक्सिमिली मतलब होता है जैसे मैंने एक जगह ये अवार्ड आया था एन एग्जैक्ट कॉपी, वहाँ पे मैंने बताया था कि वन वर्ड इसका कॉपी होता है और साथ में ये भी बताया था फैक्सिमिली होता है, तो फैक्सिमिली अगर ऑप्शन में ना दिया रहे तो आप क्या करोगे, फैक्सिमिली इसका जो है मतलब होता है, फैक्सिमिली इसका मतलब होता है प्रतिलिपि हिंदी में अगर बात करें तो, पर हिंदी में याद करना थोड़ा मुश्किल होगा इसको, प्रतिलिपि, तो इसको आप इंग्लिश में याद करें कि फैक्सिमिली होता है। सूटेबल और इंटेंटेड ओनली फॉर यंग पर्सन, जो यंग पर्सन के लिए सूटेबल हो उसको बोलते हैं जुवेनाइल, एक वर्ड चाहिए जो हम जिस वर्ड से यंग पर्सन को डिनोट कर सके वो होता है जुवेनाइल, जुवेनाइल का हिंदी मतलब होता है किशोर, हम बोलते नहीं किशोर है, किशोरावस्था में है। एक होता है एडोलेसेंट, एडोलेसेंट का मतलब होता है कि आप जो है 13 से 19 की ईयर के बीच में हो। नेक्स्ट है वन हु लिसंस सीक्रेटली टू प्राइवेट कन्वर्सेशन, जो एक जैसे कन्वर्सेशन चल रहा है, एक बंदा छुप के अगर कोई चीज़ को सुन रहा है तो उसको बोलते हैं एवरेस्ट ड्रॉपर, छिपकर बात सुनने वाला, छिपकर बात सुनने वाला। नेक्स्ट है समवन हु इज इनकैपेबल ऑफ बीइंग क्वाइटेंड और पैसिफाइड, जिसको शांत ना किया जा सके उसको बोलते हैं इम्प्लाकेबल, ना शांत होने वाला। नेक्स्ट है लैक ऑफ स्किल, अगर आपके पास स्किल नहीं है तो उसको बोलते हैं इनेप्टनेस, इनेप्टनेस का मतलब होता है अयोग्यता, अयोग्यता, आपके पास स्किल की कमी है, आप अयोग्य हो, तो इसके लिए इंग्लिश में वर्ड होता है इनेप्टनेस। नेक्स्ट है स्टिक विथ ए थिक एंड यूज, थिक एंड यूज इन मोर्टार फॉर पाउंडलिंग, अब जैसे कहते नहीं कुछ चीज़ पीसने के लिए आपके पास एक ऐसी चीज़ होती है मोटी सी तो आप पीस रहे होते, तो उसको पेशल बोलते हैं, पेशल, इसको अगर हिंदी में समझे तो पेशल का कई सारा मतलब होता है, पेशल का मतलब होता है मूसल, लोढ़ा, अगर जो गांव वाले स्टूडेंट हैं वो जानते होंगे थोड़ा, लोढ़ा किसको बोलते हैं, यूपी बिहार में ये वर्ड इस्तेमाल होता है मूसल लोढ़ा, इसका जो है पिसलना, ये सब भी मतलब होता है, तो समझिए कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है ऐसे, उसको करके हम कोई चीज़ जैसे मसाला वगैरह या फिर कोई और चीज़ होगा तो उसको पीसते हैं एक तरीके से, ग्राइंड करते हैं, तो पेशल वो वर्ड है जिसके लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है द ब्रांच ऑफ फिलोसफी कंसर्न विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी स्पेशली आर्ट, अब समझिए कि एक वो ब्रांच जो स्टडी करती हो प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटीज़ की, तो उसको बोलते हैं एस्थेटिक्स, इसको हिंदी में समझिए और अच्छे से याद रहेगा, इसको बोलते हैं सौंदर्य शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र, तो सौंदर्य, सौंदर्य से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हम पढ़ते हैं उसको एस्थेटिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। ए रफ वायलेंट ट्रबलसम पर्सन, एक ऐसा आदमी जो रफ हो, वायलेंट हो या फिर ट्रबलसम हो, उसको बोलते हैं टार्टर, इसका मतलब होता है चिड़चिड़ा मनुष्य, चिड़चिड़ा मनुष्य, टार्टर वो होते हैं जो चिड़चिड़े होते हैं, चिड़चिड़ा मनुष्य। नेक्स्ट है ए ब्रेव नोबल माइंडेड और चिवेलरस मैन, ब्रेव हो, नोबल हो और चिवेलरस, चिवेलरस का मतलब होता है उदार,
तो बहादुर हो, नोबल हो, सज्जन हो, उदार हो, तो ऐसे को बंदे को बोलते हैं गैलेंट। गैलेंट का मतलब वीरता, दिलेरी, इन सब चीज़ों से रिलेटेड होता है इसका हिंदी मतलब, वीर बहादुर अगर हिंदी में बात करें तो। नेक्स्ट है लार्ज बॉडी ऑफ पीपल प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। बहुत सारे लोग होते हैं जो कभी आपने देखा होगा कि गांव वगैरह में शादी होती है तो बोलते नहीं कि ऑर्केस्ट्रा आया, ऑर्केस्ट्रा आया, तो इसमें कई सारे बंदे होते हैं जो म्यूजिक प्ले करते हैं, गाना वाना बजाते हैं, तो पूरा ग्रुप होता है तो उसको ऑर्केस्ट्रा बोलते हैं। सोलोमन रिलीजियस एक्ट, एक जो है रिलीजियस धार्मिक एक्ट होता है उसको राइट्स बोलते हैं। आपने सुना होगा राइट्स एंड रिचुअल्स, रीति रिवाज बोलते हैं, तो राइट्स रीति और रिचुअल्स का मतलब होता है रिवाज। राइट्स के और काफ़ी सारे मतलब होते हैं, संस्कार होता है, अनुष्ठान होता है। नेक्स्ट है दैट विच कैन नॉट बी एवर्टेड, जिसे टाला ना जा सके उसके लिए भी हमने देखा इनएविटेबल होता है, ये 2015 में भी आया था, 2016 में भी आया था। वन हु सेट्स टाइप्स फॉर बुक्स न्यूज़पेपर ईटीसी, जो बुक्स और न्यूज़पेपर में टाइप करते हैं, जो वर्ड्स उसके करेक्ट करते हैं, टाइप करते हैं, वो कंपोजिटर बोलते हैं। कंपोजिटर ध्यान रखिएगा, इसको हिंदी में याद करोगे तो थोड़ा मुश्किल होगा, बस ऐसे समझ लीजिए कि न्यूज़पेपर और बुक्स वगैरह में जो कुछ भी लिखते हैं, टाइप करते हैं, जो उसका मैटर करते हैं, उसको कंपोजिटर बोलते हैं। लैंड कवर्ड बाई वाटर और थ्री साइड्स, उसको बोलते हैं पेनन्सुला। पेनन्सुला को समझिए क्या होता है कि जैसे हमारी इंडिया है, ये हमारी इंडिया है, ऐसे करके समझ लीजिए, यहाँ पे आपका बांग्लादेश है, तो क्या है ना, इधर भी वाटर है, इधर भी वाटर है और इधर भी वाटर है, तो ऐसी जो भी बॉडी, जो भी लैंड होती है जो तीन साइड से वाटर से घिरी है उसको पेनिनसुला बोलते हैं। आप द हाईएस्ट डिग्री जानते हैं, सुपरलेटिव बोलते हैं, ये इजी वर्ड है। ए प्लेस वेयर सोल्जर लिव, सोल्जर जहाँ पे रहते हैं उनको बैरक बोलते हैं, कहते नहीं कि छावनी, हिंदी में बोलते हैं इसको छावनी, बैरक इंग्लिश में बोलते हैं। ए पीस ऑफ शेल्टर फॉर शिप, जहाँ पे शिप रहते हैं वहाँ पे हार्बर बोलते हैं, उसको बोलते हैं बंदरगाह, बंदरगाह। रेगुलर यूजर अ प्लेस रेस्टोरेंट इसी, क्लाइंटली या सिलेंटली इसको भी पढ़ते हैं, क्लाइंट हम लोग पढ़ते हैं ना, तो क्लाइंट से क्लाइंटली प्रोनाउंसिएशन रख सकते हैं, लेकिन शुद्ध जो प्रोनाउंसिएशन होता है सिलेंटली इसको पढ़ते हैं। और सिलेंटली का मतलब होता है एक तरीके से जो है आपका ग्राहक, क्या होता है ग्राहक। यहाँ पे सेंटेंस समझिए, रेगुलर यूजर ऑफ प्लेस, किसी प्लेस पे बार बार आने वाला, किसी रेस्टोरेंट पे बार बार जो बंदा आता है, खाता पीता जाता है, तो उसको सिलेंटली या फिर ग्राहक बोलते हैं। ए प्लेस वेयर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन आर मेड, जहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन जो है किया जाता है उसको ऑब्जर्वेटरी बोला जाता है, या प्रयोगशाला भी बोल सकते हो, प्रयोगशाला अगर हिंदी में बात करें तो प्रयोगशाला ही बोलेंगे, पर थोड़ा सा कीवर्ड याद कर लीजिएगा कि इस तरह आता है एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन जहाँ पे हो रहा हो उसको ऑब्जर्वेटरी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है किलिंग ऑफ वंस सिस्टर, अपनी बहन की जो हत्या करना, सोरेरी साइड होता है इसका जो है मतलब, जैसे भाई की हत्या पैट्रिसाइड होता है, जो पेरेंट्स की हत्या करे तो पैट्रिसाइड होता है, तो साइड वर्ड होता है हत्या के लिए, किलिंग के लिए। ए पर्सन हु हैज़ लॉस्ट प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जो बंदा हो जो लॉ का जो प्रोटेक्शन है उसको लॉस कर गया, तो आउटलॉ बोलते हैं। आउटलॉ को हिंदी में समझिए, इस वर्ड का मतलब आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ये सेंटेंस आपको याद रखना पड़ेगा, दोबारा आएगा तो इसी फॉर्म में आएगा। आउटलॉ का मतलब होता है नियम के विरुद्ध, नियम के विरुद्ध। नेक्स्ट वर्ड है फॉल्सिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के साथ जो है फॉल्सिफिकेशन करना, गलत तरत काम करना, उसको बोलते हैं फोर्जरी। कहते नहीं कि फोर्जरी कर दिया, फोर्जरी कर दिया, फोर्जरी का मतलब ये होता है कि आप डॉक्यूमेंट में छेड़खानी करके गलत को सही बना दे, सही को गलत बनाते, इस तरीके की चीज़ें करना। टू मेक अटोनमेंट टू वंस सिंस, एक्सपिएट, एक्सपिएट का मतलब होता है प्रायश्चित करना, प्रायश्चित करना। अटोनमेंट का भी मतलब होता है प्रायश्चित करना, अपने जो है गुनाहों के लिए पश्चाताप करना, तो एक्सपिएट भी उसके लिए वर्ड आता है, तो अटोनमेंट एंड एक्सपिएट जो है सिनोनिम्स है। कमिटिंग मर्डर इन रिवेंज, रिवेंज के लिए जो है किसी का मर्डर कर देना, हत्या कर देना, वेंदाता बोलते हैं। वेंदाता का मतलब एक तरीके से होता ना कि पुराना आपका वो चला हुआ चला रहा है, पारिवारिक जो है कलश चला रहा है, उसके चक्कर में आपने किसी का मर्डर वगैरह कर दिया, तो वेंदाता उसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है। एन अनइम्पॉर्टेंट पर्सन, नॉन एंटिटी, नॉन एंटिटी जो एग्जिस्ट ना करे, कोई इंपॉर्टेंट पर्सन ही नहीं है, तो नॉन एंटिटी उसके लिए बोलते हैं। वन हु प्रिटेंडेड टू बी व्हाट ही इज नॉट, जो ये दिखावा करे, मतलब दिखावा करे कि कुछ और है लेकिन जबकि वो है कुछ, तो ऐसे को बोलते हैं हाइपोक्राइट। हाइपोक्राइट का मतलब होता है बहुरूपिया, बहुरूपिया मतलब वो जैसा दिखावा कर रहा है वैसा वो है नहीं। नेक्स्ट है ए जॉब कैरिंग नो सैलरी, अभी मैंने बताया था ऑनररी का मतलब होता है एक माननीय, 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 और दूसरा मैंने बताया था अवैतनिक,
तो दोनों सेंस में पूछा जाता है कि एक ऐसी जॉब जिसमें कोई सैलरी ना हो तो उसको ऑनररी बोलते हैं। नेक्स्ट है एक्ट ऑफ स्टीलिंग इन स्मॉल क्वांटिटीज, अगर आप छोटे छोटे क्वांटिटीज में अगर चोरी कर रहे हो तो उसको बोलते हैं पिल्फरेज। पिल्फरेज का मतलब होता है उठाई गिरी, अगर शुद्ध हिंदी की बात करो तो इसका मतलब होता है उठाई गिरी, उठाई गिरी। जैसे कहते नहीं अबे क्या उठाई गिरी हो क्या, यूपी में ये लैंग्वेज इस्तेमाल होती है। तो उठाई गिरी जो होता है वो ऐसा होता है कि जो छोटे छोटे टुकड़ों में किसी चीज़ को चोरी कर रहे हों। नेक्स्ट है द प्रोसेस बाई विच प्लांट्स एंड एनिमल्स ब्रीथ, एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू प्लांट या फिर एनिमल जो है श्वसन करते हैं। तो रेस्पायरेशन उसके लिए इंग्लिश में वर्ड इस्तेमाल होता है और हिंदी में इसको श्वसन बोलते हैं। तो रेस्पायरेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है ब्रीथ किया जाता है, सांस लिया जाता है। वन हु स्नेयर्स एट द एम एंड बिलीव्स ऑफ हिज फेलो मैन, सैनिक, सैनिक का हिंदी मतलब समझिए, सैनिक का मतलब होता है निंदक। सैनिक या इसको सैनिक ब्यूटी बोलते हैं, वो एस सी करके होता है, इसको एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है सीनिक। सीनिक का मतलब होता है निंदक, निंदक। वन हु स्नेयर्स एट एम्स एंड बिलीव्स ऑफ हिज फेलो मैन, जो क्या कहते हैं ना कि उसका जो साथी हो उसके हर चीज़ पे उसके बिलीव पे एक तरीके से निंदा करता हो तो उसको बोलते हैं सीनिक। नेक्स्ट है वन हु इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर, जो एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में बदल जाए, जिसको बहला फुसला के बदला जा सके उसका रिलीजन, उसको बोलते हैं प्रोसीलाइट, प्रोसीलाइट। तो इसको एक तरीके से हिंदी में बोलते हैं फुसलाना, फुसलाना। अब यहाँ पे ये फुसलाहट वाला जो इस्तेमाल किया गया वो इस सेंस में इस्तेमाल किया गया है कि आदमी को बहला फुसला के एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट कर देना। अक्सर करके आपने न्यूज़ में देखा होगा कि क्रिश्चियन को हिंदू में, हिंदू को मुस्लिम में, मुस्लिम को उसमें बदल दिया गया है, तो वहाँ पे ये वर्ड आता है प्रोसीलाइट। नेक्स्ट है ए स्मॉल शॉप दैट सेल्स फैशनेबल क्लॉथ्स कॉस्मेटिक इसी, ब्यूटी की ये वर्ड बहुत आसान आप सभी लोग जानते होंगे। इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स, दो इवेंट्स के बीच में जो इंटरवल होता है तो उसको बोलते हैं इंटरल्यूड, इंटरल्यूड का मतलब होता है अंतराल, अंतराल। तो ध्यान रखिएगा इंटरवल भी बोलते हैं, इंटरवल पहले से ही है दो के बीच का हो, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा इंटरवल बिटवीन टू इवेंट, तो इस तरीके से आए तो बोलते हैं इंटरल्यूड, इसका मतलब होता है हिंदी मतलब होता है अंतराल। ए पर्सन पेक्यूलियर हैबिट, एक ऐसा बंदा जिसके पास अजीबोगरीब सी आदत हो उसको बोलते हैं आइडियोसिनक्रेसी, आइडियोसिनक्रेसी का मतलब होता है एक तरीके का लत, पागलपन या फिर सनक। नेक्स्ट है द आर्ट ऑफ डिलेइंग, आपके पास मतलब एक तरीके का इस तरीके का आर्ट हो कि आप चीज़ों को डिले कर रहे हो, तो उसके लिए जो है वर्ड आता है वन वर्ड प्रोकास्टिनेशन आता है। क्या आता है प्रोकास्टिनेशन, हिंदी में समझिए और अच्छे से याद होगा टाल मटोल, कहते हैं ना टाल मटोल ना करो, टाल मटोल। तो एक आदमी होता है एक्सपर्ट होता है जो उसको बात को टालना होता है, तो मतलब अजीबोगरीब तरीके से टाल देता है, तो उसके लिए इंग्लिश का वर्ड है प्रोकास्टिनेशन, इसका हिंदी मतलब होता है टाल मटोल। नेक्स्ट है राइट आर कर्व वर्ड्स ऑन स्टोन्स और पेपर, क्या कहते हैं ना कि कुछ वर्ड्स लिखना किस पे, स्टोन्स पे हो या पेपर्स पे कुछ लिखना, उसको बोलते हैं इंस्क्राइब। इंस्क्राइब का जो मतलब होता है वो होता है अंकित करना, क्या होता है अंकित करना। तो कुछ लोग होते हैं नहीं स्टोन वगैरह है, स्टोन पे जो है कुछ अंकित करके चित्र वगैरह बना देते हैं, लिख देते हैं, तो चिन्हित कर रहे हैं, अंकित कर रहे हैं, इसके कई सारे मीनिंग्स आते हैं इंस्क्राइब के। ट्रबल एनी एनॉय कॉन्टिन्यूअली, किसी को जो है ट्रबल करना, परेशान करना, बार बार एनॉय करना, चिढ़ाना, उसको जो है बोलते हैं हरास करना, कहते नहीं हरासमेंट, हरास कर रहे हो, हरास कर रहे हो, तो किसी को परेशान करना एक तरीके से। ए नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड कनेक्टिंग टू लार्ज बॉडीज ऑफ लैंड, इसको बोलते हैं इस्थमस, और हिंदी में शुद्ध हिंदी में बोलते हैं स्थल डमरू मध्य, लेकिन इसको समझिए कि स्थल डमरू मध्य का मतलब क्या होता है, दो लार्ज लैंड बॉडीज है इसके बीच में एक जो कनेक्टिंग जगह होती है जिसको बोले कि इसके बीच की जो लाइन होती है जो लैंड होती है उसको इस्थमस बोलते हैं, उसको हिंदी में शुद्ध हिंदी में बोलते हैं स्थल डमरू मध्य। नेक्स्ट है एन एनिमल विच लिप्स बाई प्रेइंग ऑन अदर एनिमल प्रीडिएटर, आपने पिक्चर देखी होगी इस पर बनी हुई थी, तो ये एक ऐसा एनिमल होता है जो दूसरे एनिमल का शिकार करके फिर जीवित रहता है। नेक्स्ट है थिंग दैट कैन बी फेल्ट और टच्ड, जिसे हम फील कर सके, टच कर सके, उसको बोलते हैं पल्पेबल, और हिंदी में इसको बोलते हैं स्पर्शी, स्पर्शनीय, स्पर्शनीय, मतलब जिसे हम स्पर्श कर सके, जिसे हम छू सके, टच कर सके, पल्पेबल इसके लिए इंग्लिश में वर्ड होता है। तो ये थोड़ा सा वो मैच नहीं कर रहा होता है, इसको थोड़ा सा रट्टा मारना पड़ता है। पल्पेबल, पल्पेबल का मतलब याद रखिएगा स्पर्शनीय होता है, या फिर टचेबल कह सकते हो कि जिसे हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इलेक्शन, जो इलेक्शन की साइंटिफिक स्टडी करते हैं सेफोलॉजी उसको बोलते हैं, ये हम डिस्कस भी कर चुके हैं
उसमें जब हम अपना मॉक कर रहे थे तो सेफोलॉजी वर्ड मैंने उसमें बताया था, उसमें मैंने बताया था कि आम आदमी पार्टी का एक बंदा था जिसमें मुझे वहाँ पे नाम याद नहीं आ रहा था, तो योगेंद्र यादव उनका नाम था, उनको सेफोलॉजिस्ट बोलते थे। तो वो बहुत साइंटिफिकली स्टडी करते थे इलेक्शन का कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। नेक्स्ट है हार्ड वर्किंग एंड डिलीजेंट। कोई जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग बंदा हो, डिलीजेंट हो, उसको सेडलेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सेडलेस। और हिंदी में इसको बोलते हैं परिश्रमी, परिश्रमी, सीडलेस या फिर परिश्रमी। तो ये सब एक तरीके से सिनोनिम्स है, हार्ड वर्किंग, डिलीजेंट, सीडलेस, मेहनती। साइन विद ए ब्राइट बट ब्रीफ और इररेगुलर लाइट, उसको बोलते हैं फ्लिकर। जो फ्लिकर का मतलब होता है वो होता है झिलमिलाहट, झिलमिलाहट या फिर टिमटिमाना, दोनों में से कुछ भी हिंदी आप याद रख सकते हो। फ्लिकर मतलब होता नहीं कि टिमटिमा रहा है कोई चीज़, तो फ्लिक कर रहा है, फ्लिकर। ए सैडी फर्टाइल प्लेस इन अ डिजर्ट, ए सैडी फर्टाइल प्लेस इन डिजर्ट, इसको बोलते हैं ओइस। हिंदी में इसको बोलते हैं नखलिस्तान, नखलिस्तान। तो याद रखिएगा, कुछ कीवर्ड से याद रख लीजिएगा कि ओएसिस क्या होता है, डिजर्ट में मिलता है, डिजर्ट में मिलता है, सैडी होता है, फर्टाइल प्लेस होता है। क्या होता है? सैडी होता है फर्टाइल, मतलब वो फर्टाइल है, कृषि योग्य है, सैडी थोड़ा सा है, देन ओएसिस, नखलिस्तान बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है ए स्टेट ऑफ इमोशनल और इंटेलेक्चुअल सेपरेशन, ए स्टेट ऑफ इमोशनल और इंटेलेक्चुअल सेपरेशन, एक ऐसा स्टेट आ जाए जब क्या हो, आप इमोशनली लोगों से अलग रहना पसंद करो, उसको बोलते हैं एलिनिएशन, एलिनिएशन, अलगाव की भावना इसको बोलते हैं। जब अंदर अलगाव की भावना आने लगे तो उसके लिए इंग्लिश में वर्ड होता है एलिनिएशन। एक्ट ऑफ मेकिंग थिंग्स न्यू लाइक बिफोर, हम कहते नहीं घर रेनोवेट करना, ये रेनोवेट करना है, तो वापस से चीज़ों को सुधारना, सही करना और अच्छी कंडीशन में लाना, इसके लिए इंग्लिश में वर्ड होता है रेनोवेट करना। द सेरेमनी ऑफ क्राउनिंग ए सोवेरन, इसको बोलते हैं कोरोनेशन, कोरोनेशन का मतलब होता है एक तरीके से राज्याभिषेक, राज्याभिषेक, राज्य का अभिषेक। कभी कभी आता है ना कि क्राउनिंग ए किंग, तो उसके लिए भी वर्ड आता है कोरोनेशन, किसी राज्य तिलक करना एक तरीके से। नेक्स्ट है वन हु टेंस टू पैट्रोनाइज, रिवर्फ और इग्नोर पीपल रिगार्डेड एज सोशल इंटरफेयर एंड इमिटेट, एडमायर पीपल रिगार्डेड एज सोशल सुपीरियर्स, स्नॉब। स्नॉब का मतलब होता है एक तरीके से गवार मनुष्य। क्या होता है? देहाती या फिर गवार मनुष्य। वो होता है क्या बंदा, अपने आप को भले उसके पास नॉलेज ना हो लेकिन अपने आप को ऐसे लगाता है जैसे कि बहुत ज़्यादा विद्वान है, बाकी चीज, बाकी लोग जो हैं उससे जो है कम है, इन्फीरियर है। तो स्नॉब को याद रखिएगा कि गवार मनुष्य बोलते हैं। और थोड़ा सा ठेठ भाषा में अगर बोले तो हम कहते नहीं कि अबे देहाती हो क्या भाई, तो इसका ये मतलब ये नहीं होता कि देहात से बंदा आया है, तो उसका कहने का ये मतलब होता है कि अकड़ू टाइप का आदमी हो, अपने आप को ज़्यादा लगाता हो। नेक्स्ट है चीफ ऑफ ए ग्रुप ऑफ वर्कमैन, एक जो है वर्कमैन के ग्रुप का जो चीफ होता है उसको बोलते हैं फोरमैन, अग्रणी, या फिर इसको पंचायतों का हेड बोल सकते हो आप। तो फोरमैन का मतलब होता है कि जैसे कोई काम करने वाला बंदा हो, वर्कमैन हो, उनका जो है अगर हेड हो तो उसको बोलते हैं फोरमैन। बिटर क्वेरल बिटवीन टू फैमिलीज एक्सिस्टिंग फॉर ए लॉन्ग पीरियड, फ्यूड का मतलब होता है झगड़ा, और वो कैसा झगड़ा होता है जो बड़े लंबे समय से दो फैमिली के बीच में रहता हुआ चला आ रहा हो। इसको हम कई बार पढ़ चुके हैं, फ्यूड को मॉक टेस्ट कर रहे थे उसमें भी हमने देखा था। एनिमल विदाउट बैकबोन, जिसके पास बैकबोन ना हो, जिस पर रीढ़ की हड्डी ना हो, इनवर्टिब्रेट होते हैं, इनवर्टिब्रेट वो होते हैं जिनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। नेक्स्ट है एक्शन दैट इज लाइकली टू मेक पीपल वेरी एंग्री, एक ऐसा एक्शन जो लोगों को बहुत ज़्यादा एंग्री करे। इनफ्लेमेटरी, इनफ्लेमेटरी रिमार्क हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम? इनफ्लेमेटरी रिमार्क, अक्सर करके कंबाइन करके वर्ड आता है कि वो ऐसे बात होती है जिससे दूसरों को बहुत ज़्यादा बुरा लगता हो, तो बुरा लगने वाली बात होती है उसको इंग्लिश में इनफ्लेमेटरी इस्तेमाल करते हैं। द एक्ट ऑफ किलिंग ए किंग, जब हम राजा की हत्या कर रहे हैं तो रेजिसाइड करते हैं बोलते हैं उसको। इमिजन ऑफ लाइट और हीट फ्रॉम ए सेंट्रल पॉइंट, किसी सेंट्रल पॉइंट से अगर इमिजन हो रहा है लाइट का तो रेडिएशन बोलते हैं, बहुत कॉमन सा वर्ड है। दैट विच कैन नॉट बी बिलीव, जिस पे हम विश्वास ना कर सकें उसको बोलते हैं इनक्रेडिबल, जिस पे जो क्रेडिबल होता है मतलब भरोसेमंद, और इनक्रेडिबल का मतलब ये होता है कि जो भरोसा जिस पे ना किया जा सके, इनक्रेडिबल। अब ये जो है
नेक्स्ट जो सारे के सारे हैं जैसे एक्ट ऑफ मर्सी, किलिंग, नो लॉन्गर अ चाइल्ड बट नॉट एन एडोलेसेंट, ये सारे के सारे रिपीटेड है जो हम अभी तक 1999 से लेके अभी तक हमने सारे के सारे वन वर्ड किए हैं, उसमें मैंने बहुत सारे वर्ड बताए। तो आप ये मैं यहाँ पे मैंने लिया है, अगर आप में से कोई नया स्टूडेंट है जो इसी वीडियो लेक्चर पे आया है तो पहले के प्रीवियस लेक्चर देख लो, उसमें मैंने इन सब को जो है एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा वो कर देता हूँ कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट है जिनको एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ स्टेटमेंट्स की जरूरत होती है, तो उनके लिए मैंने लिख लिया है। आप इसको जो है क्या करें कि नोट डाउन कर लें, अगर आप में से किसी को नहीं आ रहा हो तो एक बार आप रफली इसको रिवीजन भी कर सकते हैं। और क्या होता है, कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि नोट करने में सर प्रॉब्लम होती है, रिवीजन में प्रॉब्लम होती है। यार तो एक काम करो, अपने मोबाइल से फोटो ले लिया करो, जैसे पर्टिकुलर पेज मैंने रोका हुआ है तो रोक के स्टॉप करके फोटो ले लिया करो, फोटो करके उसको पीडीएफ फॉर्म में खुद कन्वर्ट कर लो, क्योंकि इतना सारा वर्क है तो हम अभी पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है हमें, पहले टाइपिंग में टाइम लगता है फिर पीडीएफ में कन्वर्ट करना, देन हम आपको लेक्चर्स वैसे भी प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे टोटल तरीके से, मतलब पूरी तरीके से क्या होगा, चीज़ें हमें डिले होगी। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा और कर लीजिए, आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा रिपीट हो रहा है, बहुत सारे वर्ड्स हैं जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, तो सारे के सारे वर्ड आप लिख लीजिए अगर आपने नहीं पढ़े हैं। ऑलरेडी मैं इन सारे वर्ड्स को प्रीवियस लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, हमारा डे 27 चल रहा है, तो ये सारे के सारे जो है आज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके 2016 तक जो एग्ज़ाम में एसएससी एग्ज़ाम में आए हैं मैंने कोई छोड़ा नहीं है, सारे के सारे कवर हो गए हैं। हो सकता है एकाग दो मतलब वन वर्ड में आपको डाउट रहा हो, और ये जो डाउट होता है वो एक्चुअली इस वजह से होता है क्योंकि एसएससी जो है वो अजीबो तरीके से कभी कभी किन्हीं का वन वर्ड ले लेती है, तो सारे के सारे जो एसएससी ने ले हुए हैं एज इट इज़ मैंने आपको दिया हुआ है, अगर वो दोबारा आएगा तो एसएससी दोबारा उनको उसी तरीके से लेती है। तो आप कोशिश कीजिए जिस तरीके से मैंने आपको बताया उसको उसी तरीके से याद कीजिए, और अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को लेके जो है व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं देखता हूँ कि अगर उसमें से कुछ भी अगर एरर हो गया हो, एक आध दो अगर एरर चला गया हो तो मैं उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करूँगा।